झारखंड, रांची के नजदीक जिला खुंटी, बोतलो गांव। बच्चे को जन्म देते समय सुभानी की हालत बिगड़ती गई। मां और बच्चे को बचाने के लिए 35,000 का कर्ज लेना पड़ा। बदले में गिरवी रखनी पड़ी 3.5 एकड़ जमीन। शुरू हुआ कभी ना टूटने वाला कर्ज का चक्रव्यूह। पेट भरने के लिए अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने लगे। चारों तरफ निराशा ही निराशा। कुछ पल की राहत ढूंढते देसी शराब में। धीरे धीरे शराब शरीर पर हावी हो गई। ये जिंदगी से हारने का गम था या बर्बादी का जश्न, कहना मुश्किल। सुभानी के गांव में एक स्व सहायता समूह था। सुभानी भी उसकी सदस्य थी। समूह नया था, इसलिए चाहकर भी सुभानी की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। ২০০৯ में केंद्र सरकार की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत एक खास प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ताकि सुभानी जैसे लोगों को मदद मिले और उनकी आजीविका का कोई साधन बने। तय हुआ सुभानी मुर्गी पालन शुरू करे, जिसके लिए उसे दिया जाए 20,000 रुपए का कर्ज। लेकिन एक डर था जिसने सुभानी के कदम जकड़ लिए। सेले कर्जा कान के ना एंते दा ये को हिजुते ना दादा को हरे मुर्गी असुल को पे पहले से ही कर्ज में डूबे थे। जमीन भी गिरवी पड़ी थी और कर्ज कैसे ले लेती। समूह के दूसरे सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और गांव वालों ने समझाया। सुभानी तैयार हो गई। 20,000 का ऋण मिला और मुर्गी पालन के लिए मिली खास ट्रेनिंग। कदम कदम पर उसका हाथ थामने आगे आई तोरपा ग्रामीण पोल्ट्री कोऑपरेटिव। तोरपा कोऑपरेटिव ये जनल जुड़ा जनल नते माजले कले ताइनो ताना। कोऑपरेटिव वालों ने ट्रेनिंग दी, चूजे दिए, वही अपना डॉक्टर और सुपरवाइजर भेजते हैं ताकि मुर्गियां ठीक से बड़ी हों। सुभानी की सारी मुर्गियां गांव में ही कोऑपरेटिव वाले खरीद लेते हैं। सुभानी और उसके पति को करनी है तो सिर्फ मेहनत। सुभानी ने पोल्ट्री फार्म के साथ ही सब्जियां उगानी शुरू की, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। सुभानी बैंक से लिया कर्ज तो चुका ही रही है। 10,000 रुपए जमा कर सुभानी ने 3.5 एकड़ में से 1 एकड़ जमीन साहूकार से छुड़वा ली। सुभानी एक बार फिर अपनी जमीन की मालकिन। ईश्वर का नाम लिया और प्रण लिया कि बाकी की जमीन भी साहूकार से छुड़वा लेगी।